हेलो फ्रेंड्स, मैं रुखसाना सैफी सैफीज किचन में आज आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ इंस्टेंट रबड़ी, जो कि बेहद टेस्टी और झटपट बनकर तैयार हो जाती है। आपके घर घर जब कभी अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाएं या कोई पार्टी या फेस्टिवल सीजन में, आप इसे ट्राई कर सकती हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी बहनों के व्रत और पूजा अच्छे से सफल हों, ये मैं दुआ करती हूँ। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ मैंने चीनी ली है, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें, जैसा आप मीठा खाते हैं। यहाँ मैंने हाफ बाउल ये मिल्क पाउडर लिया है और बादाम के टुकड़े लिए हैं, लंबे लंबे काट लिए हैं, और ये मैंने पिस्ता के टुकड़े काट दिए हैं, और यहाँ मैंने अखरोट ले लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं जो आप पसंद करते हैं। और ये मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, ये मेरे छोटे वाले हैं। आप अगर बड़े ले रहे हैं तो आप 2 ब्रेड ले सकते हैं। और ये हाफ के जी मेरा मिल्क है, ये फुल क्रीम मिल्क है मेरा। अगर फुल क्रीम मिल्क लेते हैं तो ज़्यादा टेस्टी बनती है रबड़ी। वैसे आप नॉर्मल भी ले सकते हैं, अगर मलाई निकल चुकी है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ मैं ब्रेड के किनारे निकाल दूँगी चारों साइड से, ये देखिए इस तरह से। और अब मैं इनको कट करके ग्राइंडर में इनको ग्राइंड कर लूँगी। ये जार में मैं इनको रख लूँगी और इनको ग्राइंड कर दूँगी। ये देखिए, ये हमारे ब्रेड क्रम्स तैयार हैं। और ये मिल्क पाउडर में मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना दूँगी, इसे घोल बना दूँगी इसका मैं। ये इसलिए कि आप जब दूध में डालें तो डायरेक्टली तो गांठें ना पड़ें, वैसे आप डायरेक्ट दूध में भी डाल सकते हैं और उसे लगातार चलाते हुए डालें। यहाँ मैंने इसलिए पानी में पहले ही इसको घोल के तैयार कर लिया है, जिससे कि ये इजीली डिसॉल्व हो जाए दूध के अंदर। तो मिल्क पाउडर फ्रेंड्स बहुत ही काम की चीज़ है, इसे अपने घर में ज़रूर रखें, क्योंकि इससे काफ़ी मिठाइयाँ डिज़र्ट इंस्टेंटली तैयार हो जाती हैं। तो मैं इसे ज़रूर से रखती हूँ घर में और फ्रिज के अंदर स्टोर कर देती हूँ, काफ़ी दिन चलता है डब्बा। तो यहाँ मैंने केवड़ा वाटर भी लिया है, आप इसकी जगह आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो वो ले सकते हैं, इलायची का पाउडर ले सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, या रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं। तो पैन या पैन अगर भारी तले का लें तो ज़्यादा अच्छा है, रबड़ी उसमें ज़्यादा अच्छी बनती है और लगती नहीं है। तो यहाँ मैंने ये पैन ले लिया है और पैन में मैं अपना दूध इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। और गैस की फ्लेम को ऑन करके इसे मैं उबाल आने दूंगी। और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपने ब्रेड क्रम्स और इसे चलाती रहूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें जो मैंने मिल्क पाउडर घोल के रखा था वो इसमें ऐड कर दूंगी और इसे लगातार चलाती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, ये रबड़ी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। जब भी आपका कभी मीठा खाने का मन करे, झटपट तैयार करें रबड़ी और इन्जॉय करें, और ये बेहद टेस्टी बनती है। आप बनाएं ज़रूर से और तब मुझे बताएं। जल्दी ही गाढ़ी होने लगती है ये, इसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। और ये किनारे से जो भी इस तरह से चिपकती जाए मलाई, इसको भी आप स्पैचुला की मदद से निकाल कर इसमें ही मिलाते जाएं, इससे भी रबड़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है मेरी रबड़ी। हम इसमें डाल देते हैं चीनी। चीनी आप देखभाल कर डालें, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है तो मीठा ज़्यादा हो जाएगा इसलिए। और अब आप हमारी रबड़ी की पकने की आवाज़ सुन सकते हैं, क्योंकि जब ये तैयार होने पर आती है तो ऐसी ही आवाज़ हमारी रबड़ी में आती है। तो अभी तैयार हो चुकी है लगभग, तो अब हम इसमें डाल देंगे अपने ड्राई फ्रूट्स। तो थोड़े थोड़े हम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे, इनको भी हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे ड्राई फ्रूट्स डालकर। तो फ्रेंड्स, 5-6 मिनट में ये हमारी तैयार हो गई है बनकर।
और अब हम इसमें डालेंगे केवड़ा वाटर, आधा चम्मच मैंने केवड़ा वाटर डाल दिया है। और अब मैं इसे ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने के बाद इसे सर्व करूंगी। अगर आप इसे फ्रिज में रख दें तो और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी, ठंडी करने के बाद इसे खाएं। तो ये देखिए, ये मैंने अब सर्व कर ली है। ये देखिए हमारी कितनी क्रीमी और एकदम गाढ़ी गाढ़ी रबड़ी बनकर तैयार हुई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स और प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय। हैव ए नाइस डे। खुदा हाफिज़।